तो गाइस अभी मसाज हो गई है और मैंने भी अपने अपर लिप्स और आई का करा आई अटका दिया देते भाई पूरी मशीनें बाहर आ गई और ये हमारे को भगा के ला रहे हैं और पुलिस वाला आ गया आगे और ये गया पुलिस वाला और हम आ गए अंदर। ओ भाई साहब वेटिंग पीरियड सो लॉन्ग। तो स्वागत है गाइस एक और नए व्लॉग में। तो अभी हम होटल से चेकआउट कर रहे हैं और हमें फ्लाई करना है हनोई के लिए दनांग से। तो अभी बजे हैं सुबह के 4 और हम निकल रहे हैं यहाँ से और टाइम आ गया है रूम को बाय बाय कहने का। काफ़ी अच्छा अपार्टमेंट था और मज़ा आया इसमें रह के। हम पहुँच गए हैं एयरपोर्ट पे और ये व्यू देखो क्या मस्त व्यू है। और हम डोमेस्टिक एयरलाइन पर आए हैं डोमेस्टिक टर्मिनल पर क्योंकि हमें डोमेस्टिकली फ्लाई करना है। तो हम दनांग से जाएंगे हनोई और जर्नी 1.5 घंटे की है और अभी देखते हैं चेक इन का क्या सीन है। तो अभी पहले जाके सेल्फ चेक इन कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास लगेज तो है नहीं तो सेल्फ चेक इन कर लेते हैं। और सेल्फ चेक इन में ना एक फ़ायदा है वेट वेट करने के लिए एम्बेरस नहीं होना पड़ता कम ज़्यादा है यानी तो इनसे हम कर सकते हैं। और अभी हमारा बोर्डिंग पास आ जाएगा। आ गया मैं अभी आ जाएगा अभी आई अटका दिया देते भाई पूरी मशीनें बाहर आ गई। कितने निकाल लेगा कितने ले लिए? एक ही लिया मैंने ये गलती से बाहर आ गया था ना वो प्रिंट नहीं हुआ होगा फिर अब ना अपने तो हो गए फिर अब किसका वेट कर रहा है? कुछ नहीं हो गया तो भाई इनकी मशीन होगी खराब मेरे ख्याल से और इनका बोर्डिंग पास फंस गया पर हमारा हो गया तो हम निकल रहे हैं। गाइस एंट्री हो गई अपनी और अभी हम कर रहे हैं फ्लाइट को बोर्ड और फ्लाइट है अपनी ये वाली। अच्छा कलर बड़ा अच्छा है इसका ग्रीन ग्रीन सा मस्त। हनोई आ गए हैं पर एक प्रॉब्लम है हम होटल में चेक इन नहीं कर सकते क्योंकि चेक इन कर सकते हैं 2 बजे और हम पहुंच गए हैं 8:30 बजे 8:15 बजे। अब अपने को देखना है कि टाइम कैसे पास करना है। तो मैं सोच रहा हूं कि इधर से निकल के लगेज रख के होटल में और उसके बाद कुछ खाना वाना खाया जाए और जो भी कल के लिए एक्टिविटीज़ बुक करनी है वो करी जाए। तो देखते हैं क्या रहता है बाहर चल के देखते हैं वेदर कंडीशन कैसी है। तो गाइस अपनी गाड़ी आ गई है ये वरना जैसी दिखने वाली गाड़ी का नाम एसेंट है एसेंट बहुत पहले आती थी एसेंट और यहाँ पे A4GO की ड्रेस ऐसी होती है। A4GO हमारे साथ ही आया था ड्रेस में मतलब प्लेन में। गाइस हमारा होटल यहाँ से 26 किलोमीटर दूर है एयरपोर्ट इनका हनोई का काफ़ी बाहर है मेरे ख्याल से कैपिटल का एयरपोर्ट है ना इसलिए बाहर है। सुबह 4 बजे आए थे तो मैं नहा धो के नहीं आया तो ऐसे ही आ गया तो अभी वहाँ जाके नहाना पड़ेगा। गाइस हमारे को भूख लग गई थी तो होटल से निकल के हम आ गए हैं इधर खाना खाने के लिए। एक चम्मच भी नहीं है एक चम्मच भी नहीं है ये क्या देखे जाए क्या मंगाया था दम आलू मंगाए थे ये दम है हाँ इसे हुआ है तो गाइस हम आए एटीएम पे मनी विड्रॉ के लिए। इनके एटीएम ना बहुत ही बेकार है वैसे HSBC वाला सही है इधर से निकलवा ले। पूरे हैं ठीक है पूरे हैं जा सकते हैं अब हम। गाइस अभी हम आए हुए हैं हेलोंग बे की टिकट बाय करने के लिए और देखते हैं हमारे को मिलेगी कि नहीं मिलेगी क्योंकि कल संडे है तो मोस्टली सभी क्रूज वगैरह फुल हैं तो अभी चेकिंग चल रही है मिलता है तो बताते हैं। हमारे को सिप मिल गई है और ये 5-स्टार सिप है और ये हमें लेके जाएगा हलोंग बे पे और ऐसा कुछ खाने का इसके अंदर और ऐसा कुछ है काफ़ी सारी एक्टिविटी हैं ऐसी भी हमारे को पिक करेगी और 2 दिन 1 रात का ये टूर है और इसके लिए हम पे करेंगे लगभग 21,000 रुपये और ये हमारा रूट रहेगा जिसमें ये हमारे को घुमा के लेके आएंगे। हमने बुकिंग करा ली है और इन भैया ने कराई है से हेलो 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 माय फ्रेंड और ये वाले क्रूज में हम जाएंगे
बाकी कल देखते हैं एग्जैक्टली क्रूज कैसा दिखेगा। ओके बडू, बाय बाय, बाय, सी यू टुमारो। तो गाइज हमने पर्ची ले ली है और अभी हम जाएंगे अपने होटल और होटल जाके मुँह हाथ धोएंगे क्योंकि हुमस बहुत ज़्यादा है यार, इधर परेशान हो गए। तो गाइस अभी मसाज हो गई है और मैंने भी अपने अपर लिप्स और आई करा लिया है। अभी हम जाएंगे अपने होटल। 25,000 रुपये के गए, हाँ दे दो, और दो हो गए 50,000 रुपये के, और काफ़ी सारे ऑप्शन है पर हमारे को यही समझ में आ रही है तो ये वाली भी है। तो गाइस मेरी मंगो संडे आ गई है और काकू की है चॉकलेट संडे, कैसी है चेक करके बताता हूँ। अच्छी है। तो गाइज इस स्ट्रीट पे ना बिल्कुल जाम है, देखो कैसे एक साइड से बस आ रही है, कोई रास्ता नहीं दे रहा, कोई कहीं पे किसी को खड़ा करके जा रहा है। बाकी एनीवे मैं लेके आया हूँ एक लेमन ऑयल और इसको पीऊँगा उधर जाके, नींबू पानी पीने का बहुत मन कर रहा था मेरा पर फाइनली मेरे को मिल गया पास में ही। और यहाँ से हमारा होटल मेरे ख्याल से 2-3 मिनट की वॉक पर ही है और चलते चलते होटल दिखाता हूँ और होटल का रूम दिखाता हूँ। तो गाइज इस होटल में हम रुके हुए हैं और इसका नाम है डायमंड लेजेंड होटल और ठीक है, मतलब अच्छा था रूम देखने में। और थैंक यू। और ये हमारा रिसेप्शन है और इधर इन्होंने मिनरल वाटर वगैरह रखा हुआ है। और हेलो, और ये है हमारा रूम और इस रूम में एंट्री करने के लिए हमें यूज़ करनी होती है ये वाली की सिम। और दिखने में रूम कुछ ऐसा है, एक बेड दे रखा है और इधर ड्रेसिंग टेबल टाइप कुछ दे रखा है और एक स्क्रीन दे रखी है और उधर दे रखी है एक अलमीरा और इधर दे रखा है इन्होंने फ्रिज भाई सब सही छिपा के रख रखा है। और फ्रिज पता कैसे दे रखा है, जैसे वो पेप्सी वगैरह का नहीं होता आइसक्रीम का, मतलब दुकानदार है कोई एग्रेजो वैसा सा कुछ दे रखा है। एक बार उठाना का कोई इसको। और एक ये अलमीरा दे रखी है और ये वाला बाथरूम है, बाथरूम भी मतलब सही है, बाथटब दे रखा है, दो टॉवल दे रखे हैं, टॉयलेटरीज दे रखी है जिसके अंदर इन्होंने सारी चीज़ दे रखी है, रेजर ब्रश सब कुछ दे रखा है, मतलब सही है होटल, पसंद आया मेरे को ये होटल। तो अभी हम करेंगे थोड़ा सा रेस्ट और रेस्ट करने के बाद हम जाएंगे यहाँ पे एक ट्रेन स्ट्रीट करके है हनोई में, और ट्रेन स्ट्रीट करके कुछ वहाँ पे काफ़ी अच्छे व्यू आते हैं, 9 बजे की ट्रेन होती है, हम यहाँ से 5-6 बजे चले जाएंगे, तब तक लाइट वाइट भी ऑन हो जाएंगी। तो गाइस जो ये एरिया है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब क्राउडेड एरिया है और यहाँ पे मतलब ये मान लो कि स्कूटी इतनी सारी दिखती हैं आपको ना, मतलब स्पेस बना बना के निकलना होगा। और अभी हम जा रहे हैं यहाँ से जो यहाँ की ट्रेन स्ट्रीट है वहाँ पर जा रहे हैं और कैसी है देखते हैं, उसके बारे में बहुत सुना है ओवररेटेड है या फिर सिर्फ हाई फाइप है या फिर जेन्युइनली वहाँ पर जाना वर्थ है वो वहाँ पे जाके पता चलेगा, यहाँ से 6 मिनट की वॉक पे दिखा रहा है। तो गाइज आ गए हैं हम उस ट्रेन स्ट्रीट पे जो काफ़ी फेमस है, मेरे पीछे है एंट्रेंस तो इसके अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कोटेशन लगा रखी है, वो पुलिस वाला बता रहा था कि इधर एक्सीडेंट वगैरह हुआ था, मैंने यूट्यूब पे भी देखा था, इसलिए इसके ऊपर वॉकिंग बंद है और किसी और साइड से हमारे को देखना पड़ेगा कि एंट्रेंस हो की थी। तो अभी एक बार देख लेते हैं उधर चल के, कूड़ा देखो भाई कैसे भर रखा है यहाँ पे, हद कूड़ा रख रखा है भाई साहब। तो इधर देखो भाई साहब कितनी पुलिस बैठी है, 2 बंदे बैठे इधर और 1 बंदी इधर बैठी है और यहाँ पे लग रखा है कि अंदर जाना मना है। बाकी एक बंदा मिल गया मेरे को जो हमारे को अंदर लेके जाने के लिए बोल रहा है और अंदर से हमारे को कॉफ़ी वगैरह पिलवा देगा और अंदर बैठने का मौका मिल जाएगा। बाकी देखते हैं कहाँ से घुसाएगा ये। ओह इसके पास कोई सेपरेट एंट्रेंस है और यहाँ पे घुसने के लिए एक बंदी हमारे को लेके आई है, ये यहाँ पे एंट्री दिलाएगी पुलिस वाला इधर उधर होने के बाद। बाकी उधर अच्छा एग्जिट तो करने दे रहे हैं, एंट्री नहीं करने दे रहे। तो भाई साहब हमारे को अंदर घुसा दिया है टचिंग, और ये हमारे को भगा के ला रहे हैं और पुलिस वाला आ गया आगे, और ये गया पुलिस वाला और हम आ गए अंदर। तो ये स्ट्रीट है गाइस और काफ़ी अच्छी है देखने में तो, और व्यू मतलब रात को ज़्यादा अच्छी लग रही है, एंट्री लेने में बहुत ज़्यादा पंगा था पर एंट्री लेने के बाद तो सही लग रहा है, बढ़िया है, मज़ा आ गया अंदर आके।
और थोड़ा सा एरिया है बस इसी के लिए भाई साहब, मतलब पंगे एंटर करने के लिए। एंट्री यहाँ पे इसलिए नहीं होती, यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो गया था इसलिए। तो फेमस ट्रेन स्ट्रीट ये है और देखने में रात को तो काफ़ी सही लग रही है, पर ऐसा कुछ मैंने ना इंडिया में भी देखा है, मैं खास कोलकाता साइड। और भाई साहब यहाँ पे ना एक रूल है, जो लेके आएगा उसी के रेस्टोरेंट पे बैठना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आके चले गए। तो गाइस ये स्ट्रीट है और इधर से ट्रेन आएगी, और काफी वेट करने के बाद ये ट्रेन आ गई है भाई। और भाई इस ट्रेन के लिए लोग इतने पागल थे यहाँ पे, जो इतना इतना वेट कर रहे थे भाई साहब। फाइनली वी डिड इट। तो गाइज मेरे को तो ना ओवर रेटेड प्लेस लगा बिल्कुल, मतलब बेफालतू में हाइप बना रखी है, ऐसा कुछ खास नहीं था। पर व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दिस ट्रेन? इंटरेस्टिंग। एंड यू? नॉर्मल ट्रेन की तरह से था भाई, बैठ जाओ और साइड भी सेंटर इंटरेस्टिंग, बट इट्स वेरी वेटिंग वेटिंग पीरियड सो लॉन्ग। इधर ऐसे लोग बैठे हैं और वही है, मतलब सही है, फोटोजेनिक प्लेस है क्योंकि लाइटिंग हो रखी है दोनों साइड में, तो आप लोग आ सकते हो। वैसे ऐसा मतलब कुछ खास नहीं है कि आप लोगों ने मिस कर दिया तो क्या होगा, पर ठीक है भाई। ट्रेन देखने के बाद इस लड़की को लग गई थी भूख और इसको खाना था पिज्ज़ा, और वो भी इंडियन स्टाइल, तो फाइनली हमारे को इंडियन स्टाइल पिज्ज़ा मिल गया है। टॉपिंग से तो इंडियन स्टाइल ही लग रहा है, टेस्ट का पता नहीं। गाइस हम अभी रह रहे हैं हनोई के बिल्कुल सेंटर में, और यहाँ पे हर गली चौराहे पे मस्त पार्टियाँ चल रही हैं, तो पार्टियाँ दिखाएंगे हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में अगर टाइम मिला तो। तो इस व्लॉग में इतना ही रखते हैं गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।